हेलो एवरीवन, दिस इज अर्पित विद द ब्रांड न्यू वीडियो ऑन माय चैनल गाइस। और आज वापस से आपके लिए आ चुका हूँ एक और नूब टू प्रो टिप्स एंड ट्रिक्स की वीडियो, जो कि बहुत अमेजिंग होने वाली है। और एज ऑलवेज वीडियो के लाइक्स का टारगेट कंप्लीट करवा दो। जो भी वीडियो देखा फटाफट से लाइक बटन पर क्लिक कर दो, और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया जो इस चैनल पर नए हैं तो इस वीडियो को देखने के बाद आप अपने आप सब्सक्राइब कर दोगे। सो या गाइस, विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स गो फॉर इट। ओके गाइस, पॉइंट नंबर वन, जब भी किसी बंदे के पास शॉट गन हो और उसने एक शॉट मिस कर दिया ना आप पे, तो आप दोबारा गलती मत करना उसके सामने जाने की, क्योंकि एक बार आपको पता लग गया कि आपकी जान बच गई। बट इससे अगर आप उसके मुंह के सामने जाकर उसको मारने की कोशिश करोगे तो इसका रिजल्ट कुछ नहीं होगा, आप मरोगे। तो यहाँ पे देखो, उसके पास शॉट गन थी, मुझे पता लग गया, और वो भी आगे नहीं आ रहा था, मैं भी आगे नहीं आ रहा था, बिकॉज अगर मैं जाता और उसका एक भी शॉट लग जाता तो मैं डेफिनेटली मरने वाला था। तो मैंने यहाँ से जंप करके उसे मारना बेटर समझा। और ऐसे बहुत सारे केसेस होते हैं इस गेम में, ऐसे बहुत सारे सीन्स होते हैं जहाँ पे सामने शॉट गन होती है और आपके पास कुछ भी नहीं होता है, तो आप प्लीज शॉटगन से थोड़ा दूर रहो। पॉइंट नंबर टू, मैंने अपनी एक वीडियो में बताया था कि अगर थोड़ा सा डिस्टेंस हो तो आपको क्या करना चाहिए, अपनी एयर में एक क्विक स्कोप करना चाहिए और उसके बाद हिप फायर से मारना चाहिए। इससे क्या होगा, बंदे पे सारी की सारी बुलेट्स अपने आप कनेक्ट हो जाती हैं। तो अपने आप नहीं होती, थोड़ा बहुत एम भी अच्छा होना चाहिए। और आप देखो यहाँ पे स्लो मोशन में अच्छे से, मैं आपको एक बार और रिपीट करके दिखाता हूँ क्लिप। मैंने पहले स्कोप इन किया, उसके बाद मैंने हिप फायर मारा, और देखो पूरी गोलियाँ कनेक्ट हुई उस बंदे पर, वो बंदा बहुत जल्दी टेकडाउन हो गया। तो यहाँ पे आप देखो, जैसे ही मेरे सामने बंदा आया, मैंने यहाँ पे एक स्कोप इन किया, ठीक है, उस पर दो चार बुलेट्स कनेक्ट करने की कोशिश की। अब देखना अच्छे से कि जब मैं स्कोप आउट कर लूँगा तब भी मेरी एकेएम की बुलेट्स उसी पे कनेक्ट हो रही है, ये देखो आप आराम से। और मेरा क्रॉस हेयर भी अच्छी जगह पे है, हालांकि क्रॉस हेयर हिल रहा है, मैं भी जिगलिंग कर रहा हूँ। एकेएम का बुलेट स्प्रेड भी काफ़ी होता है, फिर भी वो बुलेट्स उस पर कनेक्ट हो रही हैं बिकॉज ऑफ एम असिस्ट, और मैंने वो जो किक स्कोप किया उसकी वजह से। तो इसके लिए पूरी वीडियो देखनी है तो आप जाके देख सकते हो, किल एनिमी इन 1.2 सेकंड, ऐसे करके मैंने 0.5 सेकंड, ये वाला टाइटल है उसका, तो आप जाके चैनल पे देख सकते हो, पूरी डिटेल आपको पता लग जाएगी। पॉइंट नंबर थ्री, गाइज मैं आपको बता दूं कि अगर आपके पास स्कारल है, ठीक है, तो उस पर कोई भी स्कोप मत लगाओ और एम असिस्ट ऑन रखो, ठीक है। स्कारल की आयरन साइड से अगर आप किसी बंदे पे फायर करते हो तो गोलियां ऐसे चिपकती है जैसे मतलब सोच भी नहीं सकते आप। तो यहाँ पे देखो, मैंने दो बंदे मार दिए और मुझे खुद को भी पता नहीं लगा। मैं आपको यही चीज़ अगर स्लो मोशन में दिखाऊं तो आपको अच्छे से पता लगेगा कि आयरन साइट कितना वर्क करता है स्कारल का एम असिस्ट पे, और बंदे पे पूरी गोलियाँ चिपकती है। लेट मी शो यू इन स्लो मोशन। तो आप यहाँ पे अच्छे से नोटिस करना, मैं यहाँ पे आपको थोड़ा सा जूम करके दिखाता हूँ। यहाँ पे देखो, राइट वाले बंदे को मैंने मारा और ऑटोमेटिकली मेरा एम लेफ्ट वाले पे चला गया है। गाइज मेरे को दिख भी नहीं रहे थे दोनों बंदे इस आयरन साइड से, और किसी को भी नहीं दिखते स्कारल के आयरन साइड से, फिर भी मेरा एम ऑटोमेटिकली राइट वाले से लेफ्ट वाले पे चला गया। और यही चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि स्कारल का जब एम चिपकता है ना, तो गाइज कोई भी बंदा नहीं बच पाता है। तो मेक श्योर कि जब आप स्कारल यूज़ करो, अगर क्लोज रेंज में आप फाइट्स ले रहे हो या कैसे भी ले रहे हो, तो उसका आयरन साइड यूज़ करके देखो और थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लो आयरन साइड की, ईजिली आप बंदों को टेकडाउन कर पाओगे, और स्कारल इज बेस्ट इन क्लोज रेंज। पॉइंट नंबर फोर, मैंने अपनी वीडियो में एक बार बताया था कि अगर आपके पास सामने कोई पेड़ है और आपको लगता है ना कि वहां पे कोई बंदा है, तो पेड़ के लेफ्ट या राइट में आप एक बार फायर करके देखो, डेफिनेटली वो बंदा नॉकआउट हो जाएगा, बिकॉज वो पेड़ के पास ही लेटे होते हैं और सांपों को मारने का सबसे बेस्ट तरीका यही है। तो ये मैंने बहुत पहले बताया था, एटलीस्ट 3 से 4 महीने हो चुके हैं उस वीडियो को बनाए हुए, तो मैं आपको दोबारा से याद दिलाना चाहता हूँ कि देखो, सामने मुझे लग रहा था कि यार कोई ना कोई बंदा है वहाँ पे, ठीक है, मुझे ऐसा लगा कि यार शायद उसका हेड है, और मैंने देखो उसी जगह पर मारना स्टार्ट किया और उस बंदे को इजीली मैंने यहाँ से टेक डाउन कर दिया, बिकॉज मुझे पता था कि ज़्यादातर लोग पेड़ के आसपास ही लेटे हुए होते हैं। तो बस इस पॉइंट में मैं आपसे ये कहना चाहता था कि जब भी आपको लगे ना कि यार वहाँ पे बंदा है, तो एटलीस्ट पेड़ के लेफ्ट या राइट पे एक बार फायर करके देखो, और ये चीज़ मेरे अकॉर्डिंग तो गाइस 90% काम आती है, बिकॉज उसका पैर या फिर उसका हेड या बॉडी कुछ ना कुछ दिख रहा होता है, कुछ ना कुछ ओपन में होता है, पेड़ के पूरा कवर में नहीं रह सकता बंदा, और वो बंदा ईजिली नॉकआउट कर सकते हो आप। पॉइंट नंबर फाइव, अब मैं आपको बताता हूँ थोड़ी सी स्ट्रेटेजी। अब देखो, सामने एक बंदा वहाँ पे मार्क किया हुआ है, वहाँ पे एक बंदा है, ठीक है, नीचे मेरा बंदा नॉकआउट पड़ा है और सामने वाले को पता है कि मैं कहाँ पे बैठा हूँ इस बॉक्स के पीछे। तो अब स्ट्रेटेजी क्या यूज़ करूँगा, कि बहुत सारे लोग होते हैं कि जाते हैं सीधा अपने बंदे को बचाने, ठीक है, और उस चक्कर में मारे जाते हैं। तो मैं यहाँ पे कूदा, अब उसको लगेगा कि मैं उसे बचाने जाऊँगा, बट ऐसा कुछ नहीं है, मैं यहाँ पे अपने बंदे को रिवाइव नहीं करूँगा, मैं उसका वेट करूँगा आने का, ठीक है। अब ये था एक वेट प्रोसेस, अब मैं इसमें बताता हूँ मैंने क्या सोचा और कैसे हुआ ये सब। जब भी आप सामने वाली टीम का कोई बंदा नॉक करते हो और उसका दूसरा बंदा उसके पास में आता है, तो आपको ऐसा ही लगता है ऑलवेज कि यार वो उसे रिवाइव देने आया है। बट अगर सोचो कि वो उसे रिवाइव ना दे और आपका ही वेट करे, तो गाइज आप मर सकते हो, बिकॉज वो कहीं पे भी टीपी भी ले सकता है उसे रिवाइव ना देकर। तो यही मैंने किया, मैं यहाँ पे टीपी भी ले रहा था और उस बेचारे को पता नहीं लगा, उसको लगा कि शायद मैं रिवाइव देने गया हूँ, और वो बंदा कूदा मेरे मुँह पर और मैंने उसे ईजिली मार दिया और अपने टीममेट को रिवाइव दे दिया।
पॉइंट नंबर सिक्स, यहाँ पे देखो सामने मुझे एक बंदा दिखा, मैंने उसे डैमेज दिया, डैमेज देने के बाद मैं उसके मुंह से कूदा जानबूझ के ताकि वो दोबारा पिक करे, ठीक है, और मैं उसे मार सकूं। अब देखो इसके बारे में मैं आपको एक पूरी डिटेल बताता हूँ थोड़ी सी। यहाँ पे आप देखो सामने वाले बंदे को मैंने डैमेज दिया, अब मैं चाहता तो नीचे से भी जा सकता था, बट अगर मैं नीचे से जाता तो वो बंदा दोबारा पिक करता ही नहीं, वो बंदा आराम से बैठ के हील करता। तो मैंने यहाँ पे वापस उसको बेट किया कि देख मैं तेरे मुंह के सामने से आ रहा हूँ, और ये चीज़ आप जब ही करना जब आपका एम अच्छा हो और आप फुल कॉन्फिडेंट हो, ठीक है, और ये चीज़ क्लासिक में ही करना, बिकॉज क्लासिक में हाँ थोड़े बहुत एवरेज प्लेयर्स आते हैं, अगर आप कस्टम में ये चीज़ करोगे तो गाइज वो बंदा पिक करके मार के आपको वापस पिक आउट भी कर लेगा, चाहे वो 1 HP हो, ठीक है, बिकॉज दे आर सो टैलेंटेड। सो सीधी सी बात है क्लासिक में यूज़ करना, मैं आपको पहले बता देता हूं। और जैसे उसने पीक किया, देखो मैंने उसको बेट किया था पीक करवाने के लिए, जैसे मैंने सामने जंप किया उसने पीक किया और वो ऑलरेडी डैमेज था, और मैंने उसे यहां पे इजीली नॉकआउट कर दिया। और इसके टीममेट के साथ क्या किया वो भी मैं आपको दिखा देता हूं। पॉइंट नंबर सेवन, यहाँ पे वापस से एक ट्रिक आप यूज़ कर सकते हो, ठीक है, वो कैसे करनी है। अब देखो यहाँ पे हम दोनों, मतलब सामने वाला जो एनिमी था और मैं यहाँ पे बैठा था, हम दोनों फाइट कर रहे थे, ठीक है। अब यहाँ से कोई भी ऑप्शन नहीं था कि यार मैं उस पर नेड फेंक दूँ, बिकॉज बहुत ही दूर था और मैं किसी तरीके से नॉक निकालने की कोशिश कर रहा था। आप देख सकते हो मैं प्री फायर दे रहा था कि वो बंदा एक बार तो पीक करे, बट ऐसा नहीं होता है, ठीक है। उसके बाद जो मैं यूज़ करता हूँ जो ट्रिक ऑलवेज, वो बताता हूँ आपको। एक टीममेट को मैंने यहीं पर बैठा दिया, ठीक है, मैं डुओ स्क्वाड खेला था, अब जो मेरा टीममेट था वो यहाँ पे बैठा था, मैं जाता हूँ गाड़ी लेके, गाड़ी उनके बगल में लगाता हूँ और वहाँ से एक नॉक निकालता हूँ। अब नॉक निकालने के बाद क्या होता है कि मैं यहाँ पे सोचता हूँ नेड वगैरह करता हूँ, बट अनफॉर्चुनेटली वहाँ पे भाई वो गेट बंद कर लेते हैं। अब देखो आप सोलो हो, आपकी हेल्थ भी कम है, या फिर आप डुओ स्क्वाड खेल रहे हो, तो आप डायरेक्ट रश नहीं कर सकते, बिकॉज यू डोंट नो गाइस कि कितने बंदे होंगे अंदर, कितने नहीं होंगे, आप जाके कैसे मारोगे। बट यहाँ पे क्या हुआ कि मेरा जो टीममेट था उसने बोला कि तुम अंदर जाओ, बिकॉज वो इतने बढ़िया एंगल पे बैठा था कि अगर कोई भी बंदा खिड़की पे आता है, विंडो पे आता है, अगर या फिर कोई छत पे आता है, तो वो मेरा जो टीममेट था वो इजीली यहाँ पे उसे नॉकआउट कर सकता था। तो अब मैं आपको दिखाता हूं कि कैसे मैं यहां पर रश करता हूं। नीचे वाले फ्लोर पे एक ऊपर छत पे जीने के बाद बैठा था, ले मैंने गेट का वो तोड़ दिया। तो गाइज आपने देखा कि पूरा का पूरा कवर फायर आया, पूरे के पूरे कॉल्स आए जिसकी मदद से मैं ऊपर जा पाया और मुझे पता लग पाया कि कौन सा बंदा कहाँ पे, और मैंने इनको इजीली टेक डाउन किया, ठीक है। और ऐसे ही आप अपने टीममेट को बोल के जा सकते हो, कुछ स्ट्रेटेजी यूज कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग। पॉइंट नंबर एट, एंड दिस इज लास्ट पॉइंट और बहुत ही अमेजिंग पॉइंट है, देखो मैं आपको बताने वाला हूँ चुल के बारे में, ठीक है। बहुत सारे लोग हैं जिनमें चुल मचती है देखने की, बार बार पीक करने की, बार बार प्री फायर करने की, ठीक है, प्री फायर करने की तो मेरे में भी बहुत है, ठीक है, वो तो एक अच्छी चीज़ भी है, बट यहाँ पे मैं आपको एक एग्जांपल दिखाता हूँ। अब देखो सामने हम जा रहे थे, इजीली कोई भी नहीं था सामने, अब पीछे से एक कार आती है, ठीक है, हमने कार रोकी, उन्होंने भी कार रोकी, अब सीन ये होता है कि हम भी फटाफट से देखेंगे कि बंदे कहाँ रुके हैं, उन्होंने भी देखना है बंदे कहाँ रुके हैं, बट हमको पता था कि बंदे यहीं रुके हैं, ठीक है, और हमने क्या किया, प्री फायर रोका नहीं। मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूँ यहाँ पे क्लियर, मेरे टीममेट ने एक नॉक किया चलती कार में से। अब देखो मैं यहाँ पे प्री फायर करे जा रहा हूँ, ठीक है, मैंने एक गन पूरी खाली की, दूसरी गन से मैंने फायर करना स्टार्ट किया, बिकॉज मुझे पता था कि यार इन लोगों में चुल है, ये लोग बार बार देखेंगे, ऐसा नहीं होता कोई भी कि जैसे गाड़ी रोकी और आराम से रुक जाए, टीपी भी लें, ऐसा कभी नहीं होता, मतलब मोस्ट ऑफ द टाइम चुल मचती है, तो उस टाइम आप प्री फायर करो। तो यहाँ पे वापस से मैं आपको एक बार दिखाता हूँ, जैसी गाड़ी रोकी भाई वो लोगों को हमने इतना डैमेज दिया, एक तो हमारा कॉन्फिडेंस वहीं पे बूस्ट हो गया, हम डुओ स्क्वाड खेल रहे थे ऑब्वियसली, और जैसे ही मैंने यहाँ पे प्री फायर दिया, देखो एक बंदा इजीली प्री फायर में आ गया, बिकॉज उंगली करने की आदत नहीं जाती है, दूसरा बंदा पूरा ओपन में आके मुझे मार रहा है, और तीसरे बंदे को हमने ईजिली मार दिया बिकॉज हम दो थे, वो अकेला था और कॉन्फिडेंस एकदम टॉप ऑफ द लेवल था, तो ईजिली हमने उनको टेक डाउन कर दिया।
सो या गाइज, आज की इस वीडियो में इतना ही गाइज। मुझे पता आपको वीडियो पसंद आई होगी, और टॉप 10 टिप्स एंड ट्रिक्स नहीं थी, टॉप 8 टिप्स एंड ट्रिक्स थी। और या दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करना गाइज डेफिनेटली, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, और अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना ताकि थोड़ा सा सपोर्ट मिले भाई को। एंड दैट्स इट टिल देन, माय नेम इज अर्पित एंड आई एम साइनिंग आउट।